तो दोस्तों लाइव फीड से नजर आ रहा है कि प्रतीक सहजपाल और नेहा वसीन दोनों ही एक दूसरे को, तो पार्टनर तो हो गए हैं लेकिन एक दूसरे को रोक टोक काफी ज्यादा कर रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ बता दूं कि लाइव फीड में अभी क्या दिख रहा है, दोस्तों अक्षरा सिंह कल से ही काफी लो फील कर रही है, इसके वजह से जो गार्डन एरिया में जिम एरिया के पास जो सोफा रखा हुआ है वहां पे वो लाइव फीड में सोई भी रहती है। जहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि प्रतीक उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे बातें करने के लिए वो किचन एरिया से निकलते हुए नजर आते हैं ताकि वो उससे एक बार हालचाल पूछ ले। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि लाइव फीड में नजर आ रहा है कि जैसे ही प्रतीक सहजपाल में वो डोर को खोलते हैं लिविंग एरिया का और गार्डन एरिया की तरफ चलने लगते हैं, वहां से पीछे से नेहा वसीन आती हैं और प्रतीक सहजपाल को रोक देती है। जहां दोस्तों आपको बता दूं कि वो प्रतीक सहजपाल को रोक करके लाइव फीड में ये कहती हुई नजर आ रही है कि चलो हम साइड में सोफे पे बैठते हैं। जहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि प्रतीक सहजपाल फिर बात को उनकी मान जाते हैं, लेकिन जब वहां वो बैठने वाले रहते हैं तो वहां पे नेहा बोल रही होती हैं कि मैं शमिता से बात कर रही थी, जिसके बाद ये सुनने के बाद प्रतीक सहजपाल हो जाते हैं नाखुश और बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ बैठना ही नहीं था तो आपने मुझे क्यों बोला, फिर आप जा करके बातें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइव फीड में ये नज़र आ रहा है कि नेहा वसी रोकती हुई कभी कभी नज़र आती है प्रतीक सहजपाल को अक्षरा के पास जाने से। आपका क्या है रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन इस हफ्ते घर से बेघर हुए आपके हिसाब से, कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।